हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम गैलरी की फ़ोटो से पीडीएफ कैसे बनाते हैं यह देखने वाले हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमें कोई पीडीएफ फाइल सेंड करने बोलता है, ऐसे वक्त हम गैलरी की फ़ोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गैलरी की कोई भी फ़ोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट कर उसे कैसे भेजा जाता है यह देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ना, आपको आपके प्ले स्टोर में जाना है और एक छोटा सा ऐप डाउनलोड कर देना है। सिंपली हम प्ले स्टोर खोलते हैं और इसके बाद आपको सर्च में यहाँ पर आपको सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। सिंपली दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको यह ऐप डाउनलोड कराना है। यह इस ऐप को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। यह बहुत ही सिंपल और इजी है और सिर्फ यह 12 MB का ऐप है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे करीब 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है और 4.8 की रेटिंग है। दोस्तों, यह सिर्फ 12 MB का ऐप है। तो दोस्तों, इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कराना है। इसके बाद इसे ओपन करना है। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, यह ऐप यहां पर ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद कोई ऐड आएंगी तो उसे आपको कैंसिल कर देना है। इसके बाद आपको यहां से इमेज सिलेक्ट करना है। जिस इमेज को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, सिंपली आपको उस इमेज को सिलेक्ट कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यह 4 फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, यह फ़ोटो हमारे सामने आ चुकी है। आप यहां से इसे सिंपली क्रॉप भी कर सकते हैं। यदि यह फ़ोटो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है तो सिंपली आप इसे क्रॉप करके नेक्स्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहां से इसे रोटेट भी कर सकते हो। और दोस्तों, यहां से एडजस्ट में जाकर आप उसका कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। यदि उसका ब्राइटनेस कम है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। और इसके बाद इसे आपको ओके कर देना है। तो दोस्तों, यह तो हो गई सेटिंग के बाद। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही हम डन पर क्लिक करते हैं, यह प्रोसेसिंग होता है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यह धीरे धीरे प्रोसेसिंग हो रहा है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यह 4 पेज हमारे सामने आ चुके हैं। यदि आप चाहते हो दोस्तों इस पेज का सीक्वेंस चेंज करना, तो आप यहाँ से इसे सीक्वेंस चेंज कर भी सकते हो। सिंपली आपको इसे होल्ड करना है और आपको इसे जहाँ पर भी रखना है आप उसे रख सकते हो। इस तरह से दोस्तों, इसका आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आपको बैग आ जाना है और इसके बाद आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप यहां देख सकते हो, यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यहां पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जो है वैसा ही रहने देना है। आप चाहे तो इमेज में जाकर यहां पे अपना नाम लिख सकते हो। तो सिंपली यहां पर मैं मेरा नाम लिख देता हूं और इसके बाद इसे ओके कर देता हूँ। और इसके बाद सिंपली आपको कन्वर्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, यह पीडीएफ कन्वर्ट होके आ चुकी है। सिंपली दोस्तों, आप यहां देख सकते हो, यह आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज डॉक्यूमेंट में सेव हो चुके हैं। सिंपली आप यहां से इसे व्यू कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे व्यू कर देखते हैं। दोस्तों, आप यहां देख सकते हो, यह गैलरी की इमेज की यहां पर पीडीएफ तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, सिंपली आप अपने इंटरनल स्टोरेज में जाकर इसे किसी को भी शेयर कर सकते हो। आप यहां देख सकते हो दोस्तों, यह फाइल है। तो यहां से सिंपली आप इसे किसी को भी भेज सकते हो और किसी को भी सेंड कर सकते हो। तो यदि दोस्तों आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।